हे फैमिली, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था कि हम लोग प्रयागराज में हैं और अपने दोस्त के यहाँ पे हैं, दोस्त के ऑफिस में आए हैं। तो दोस्त मेरा ये रहा, तो दोस्त मेरा कह रहा है कि तुम दिल्ली में अपना ले ही रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बजट है तो मेरी इसकी कुछ साइटें चल रही हैं। देख रहे हो पूरा, ये पूरी साइटें हैं इसकी, और मैं भी बैक कैमरा करके आपको इससे मिलवाऊँगा, रूबरू भी करवाऊँगा। जो लोग प्रयागराज में हैं, नियर बाई जो प्रयागराज में हैं, झूसी में रहते हैं, अंदावा में रहते हैं, और जारी में रहते हैं, जगतपुरा में रहते हैं, मेजा में रहते हैं, जनवा में रहते हैं, मांडा में रहते हैं, चित्रकूट साइड में रहते हैं, वाराणसी, ये जो जितने भी हाईवे हैं वहाँ पे AK इंफ्रा ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड इसकी कंपनी है, जो कि बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। और भाई का बहुत ही गुडविल होता है ना एक मार्केट में, कि क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहते हैं, कि जहाँ पे अच्छा नाम हो बंदे का, लगे कि हाँ फ्रॉड नहीं है। क्योंकि आदमी ना जो ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, इन सब चीज़ों जब इन्वेस्ट करता है ना, बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है कि मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, अगर आज आप 1 रुपये लगाओगे तो ये गारंटी है कि आने वाले समय में वो आपको 1 से 10 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है। किस्मत वाली बात है, प्रॉपर्टी का रेट तो कभी नहीं गिरते हैं, हमेशा बढ़ते ही हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं और आने वाले एक दो सालों में वो अच्छा हमें दे के जाएगा, नहीं तो हम अपना खुद का ही वहाँ पे कुछ कर लेंगे। तो आइए राहुल से मिलवाते हैं, और राहुल बताएगा कि क्या सारा कुछ प्लान है, और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रॉपर डालूंगा, जो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हाँ मुझे प्रयागराज में अपना खुद का कुछ करना है, खुद का लेना है। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल, बहुत ही अच्छा ये ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं राहुल से। भाई सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। और राहुल से मैं एक चीज़ बता दूं, राहुल मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग नवोदय में साथ में पढ़े हैं, हालांकि भाई बहुत आगे बढ़ गया है। तो भाई बताएगा अपना परिचय। नमस्कार भाइयों, मैं राहुल कुमार इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और पिछले कुछ सालों से इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ। आज के डेट में AK इंफ्रा ड्रीम इलाहाबाद की बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, नंबर 1 कंपनी है, और इलाहाबाद के बाहर भी धीरे धीरे हम आप जा चुके हैं, जैसे वाराणसी की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, मिर्ज़ापुर की बात कर लें। 6 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो हमारे इलाहाबाद में हैं, उसके अलावा 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे बनारस, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट में भी आ चुके हैं। बहुत ही आइडियल सा रेट है, बहुत ही आइडियल, मतलब महज 2.5 लाख के 100 गज से शुरुआत होके मैक्सिमम 16.5 लाख रुपए 100 गज तक की ज़मीनें हमारी। सारी चीज़ें लोकेलिटी के हिसाब से हैं, और बहुत सारा अगर डिटेल देना होगा तो उसके लिए हमारे ये रेट लिस्ट पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले पहला प्रोजेक्ट हमारा जगतपुर, अगर प्रयागराज की बात करें, ये वाराणसी हाईवे पे है, 20x45 यानी कि 100 गज का रेट महज 7 लाख रुपए है। इलाहाबाद में ही दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जारी प्रयागराज टू रीवा हाईवे है, इसका 20x45 यानी कि 100 गज 5 लाख रुपए है। तीसरा है बेंदो, यानी कि मिर्ज़ापुर हाईवे की बात करें, 20x45 7 लाख रुपए का 100 गज है, या मिर्ज़ापुर हाईवे यानी कि सरस्वती हाईटेक से सटा हुआ प्रोजेक्ट है। चौथे प्रोजेक्ट की बात करें तो मेजा NTPC, ये कुहड़ा घाट लगता है, मेजा आपने देखा होगा, तो यहाँ से अगर अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा गया है, प्रयागराज से कितनी दूरी पे, ये सब चीज़ें हैं, सारे प्लॉट साइज लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ, डिस्टेंस लिखा हुआ, तीनों सारी चीज़ें लिखा हुई। तो आज की डेट में 8 रनिंग प्रोजेक्ट हैं हमारे इलाहाबाद एंड सराउंडिंग, अपकमिंग कई प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो आने वाले 1 से 2 सालों में हमारे आ जाएंगे। तो राहुल भाई, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई इंटरेस्टेड हो जी, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? आपका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, विजिटिंग कार्ड है कोई तो मैं दिखा देता हूँ। विजिटिंग कार्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें कहीं पे है नंबर लिखा हुआ, आप ही बता दो, ऐसे एड्रेस बता दो और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। अगर प्रयागराज में आते हैं तो जॉर्ज टाउन थाना है, जॉर्ज टाउन थाने के बगल में हमारा समाजवादी कार्यालय है, उसके बगल सेरा जिम के जस्ट ऊपर वाला फ्लोर हमारा AK इंफ्रा ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, वहीं पर हमारी बैठक। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9026184405। बाकी बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मैं बोर्ड का भी लगा दूँ, दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है एड्रेस किसी में ना, एड्रेस मेंशन
बोर्ड पे ही मेंशन है, मैं बाहर दिखा दे रहा हूँ, हम दुख दिखा देंगे जी जी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं ये इन सब पे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो क्या 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 प्रोसीजर क्या है? जैसे आपने रेट बता दिया कि आपके पास स्टार्टिंग जो है 100 गज 2.5 लाख से स्टार्टिंग है जी जी, मिनिमम मिनिमम 100 लाख से और मैक्सिमम 16 लाख तक है। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं कि हम 100 गज, जैसे मैं भी चाहूँ कि मैं 100 गज लेकर के इन्वेस्ट कर देना चाहता हूँ 2.5 लाख में, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार मेरे पास कुछ पैसे कम पड़े हैं, फिर उसके लिए क्या है? पहली चीज तो ये है कि एक व्यक्ति जो आता है अगर इंस्टेंट प्लॉट पसंद करता है तो 25,000 और 50,000 से बुकिंग करा सकता है पहली चीज। फिर विद इन वीक एक हफ्ते के अंदर उसे 25% या 50% डाउन पेमेंट करना होता है। उसके बाद 6 महीने से लेकर 24 महीने तक किस्त में भी देते हैं हम, उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं होगा हमारा। अच्छा जी जी, काफी आप अच्छा। सिर्फ मूलधन ही मूलधन दोगे आप तो राहुल भाई जी, जी। लेकिन अभी हम लोग दिल्ली में भी देख रहे हैं तो वहाँ पे तो ब्याज तो देना ही देना है जी। नहीं, जो भी आप बैंक बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपको देना ही पड़ेगा। तो किट्टो भी इन्वेस्ट करने का सोच रही है कि प्रॉपर्टी हम भी लेकर के, हाँ अब इलाहाबाद में लेकर के, और मेरे भाई का जब खुद का काम है तो हम क्यों ना अपने भाई से ही लें। तो मैंने अपनी तरफ से दिया तो अब हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। और हम लोग का तो मैं आप लोगों को कुछ राहुल भाई का जो है जो कुछ साइटें हैं उसकी कुछ क्लिप भी आप लोग को दिखाता हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और सब आप लोग क्लिप देखिए, अच्छा लगेगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और इनसे कंटेंट, चलिए आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं वीडियो के। तो दोस्तों ये है वो साइट जो कि है प्रयागराज रीवा हाईवे पे, जो नियर बाय पड़ता है जारी मार्केट, एके इंफ्रा ड्रीम सिटी, जो कि राहुल भाई का है। इन्होंने ये सारा ये इनका प्रोजेक्ट है। तो ये आप नैनी ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जो नया वाला पुल है वहाँ से जाते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है। अब देखिए साइड में कुछ आपको अच्छे अच्छे बिल्डिंग दिख रहे होंगे और यहाँ पे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं और रोड भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग देखते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हम दिखाएंगे। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें जाना है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं और ये जो प्रोजेक्ट है वो 52 बीघे का है। तो ये यहाँ से इसकी एंट्री है, ये फ्रंट व्यू है। एड्रेस हम आप लोग को बता ही दे रहे हैं और कांटेक्ट नंबर भी इसमें दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग वीडियोस देखिए, कैसा लगा बताइएगा। फ्लैट देखने आए हैं, जहाँ पे हम अपना ज़मीन खरीदने आए हैं, तो ये वही सोसाइटी कुछ टाइप का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जगह कैसा लग रहा है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि ये जो मैं करने चाह रही हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, तो मैं अच्छा कर रही हूँ कि ख़राब कर रही हूँ, ये जरूर बताइएगा। ये देखिए नीचे का पार्किंग वगैरह है, गाड़ी सामने भी खड़ी हो जाती है, बहुत जगह है। हाँ नीचे का सामने पार्किंग भी है और काफ़ी सोसाइटी टाइप का है। मस्त लग रहा है ना। तो दोस्तों घर देखने के बाद आप लोग देखे कि वो कैसा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा कि कैसा लगा।
फिर काफी लेट हो गया तो हम लोग सोचे रंगला बहुत कुछ खिला पिला रहा है। तो भाई से ही खरीद रहे हैं तो भाई सोच रहे हैं कि चलो मैं आपको कुछ खिला पिला देता हूँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा आपका। तो हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, ठीक है, हमको आराम से कह रहे हैं आप बैठ जाइए। तो हम आराम से बैठ जाते हैं और आप लोग को कैसा लगेगा वो घर, कैसा लगा वो घर आप लोग जरूर बताइएगा। मतलब अभी जमीन है, अभी वो बनेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, देखते हैं कब बनता है। तो अभी सोच रहे हैं कि बजट के हिसाब से भी ले लेते हैं, फिर जब बनेगा तो देखा जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग मैंगो सेक पी रहे हैं। किसको फ़ोन लगा रहे हैं जी? मेरा कैमरा थोड़ा धुंधला लग रहा है, मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। अभी देखो क्लियर दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया। हाँ सचिन भाई, सचिन भाई से बात कर रहे हैं। निकल गए इलाहाबाद तो घूम रहे थे, रिफर किया था पहली बार ले रहे हैं। हाँ अरे मतलब बीके दोस्त के यहाँ आए थे, फिर अभी पीवीआर बैठे हैं, वो पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, बता रहे हैं सचिन भाई को कॉल करके। इसका रात में ट्रेन है, आपको कैसा लगा? टाइम हम लोग बैठे हुए हैं बर्गर किंग में और एंजॉय कर रहे हैं, जो हमने आज डील की है उस डील का एंजॉयमेंट हो रहा है। उसी के पार्टी दिया जा रहा है, अभी हम लोग जब लौट के आएंगे एक बढ़िया पार्टी होगी माँ बाप के साथ, परिवार के साथ। तो ये डील हो गया है, और बढ़िया लीजिए अजीत दुकान देखते हैं तो हम लोग ऐसे देख लिए हैं। और उसके बाद अभी जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम तो पेरेंट्स के साथ खूब अच्छे से करेंगे हम लोग पार्टी, मजे ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मैंगो शेक। ये मौसम जो होता है ना बड़ा मज़ेदार होता है। ये सब रौला कह रहा है ले लो भाई, हमको जो लेना है हम तो पहली बार आए। नहीं मज़ा आता है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले ना बड़ा डरता था ऐसी जगहों में जाने में, होता ना जब आदमी के जेब में पैसे ना हो तो बाहर ही खड़ा होकर देखता है यार कि कितने की मिलती होंगी चीज़ें। तो ऐसी चीज टाइम भी हमने बिताया अपनी लाइफ में, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जेब में पैसे नहीं थे, इतनी पॉकेट मनी नहीं थी हमारी। भला आप तो इतना सोचे थे ना, हम तो कभी देखे ही नहीं थे। अब सोच लो मेरी शादी होने के बाद हम ये सब जगह पे आए, नहीं तो हम लोग घर में घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतना ही। काफी दर्द सा है बच्ची ने, कभी मॉल वगैरह तो कभी गए ही नहीं है, बस टीवी में देखे थे, बहुत सारी चीजें होती है। फीलिंग शेयर कर रही लड़की, फीलिंग शेयर कर रही है, सही है, जो भी है। हाँ